नागौर जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किशोरी बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश राय और समाज सेवी ओम प्रकाश काबरा ने किया। मेले में शैक्षणिक गतिविधियों पर आधारित स्टॉल्स लगाई गई, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था, अंकों की पहचान, व्यंजनों और पौधों की पहचान पर आधारित मॉडल प्रदर्शित किए गए। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रतन शर्मा ने बताया कि इस मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ व्यवहार कुशलता की जानकारी देना है। उसमें किशोरी शैक्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें बालिकाओं को विभिन्न गतिविधियां करवाई जाती है, खेल गतिविधियां, सह शैक्षिक नवाचार के माध्यम से बालिकाओं को ये संदेश दिया जाता है कि पढ़ाई जारी रखते हुए भी अपन अदर एक्टिविटीज में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसमें जो बच्चे है ना नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए खेल के माध्यम से उन्हें कुछ रोचक बातें और जानकारियां दी जाती है, जैसे कि भाषीय कौशल का विकास, गणितीय एकीकरणें, पर्यावरणीय सचेतना और जागरूकता के प्रति उन्हें कुछ विशेष तौर पर है ना कुछ नया सिखाया जाता है। और आज हमने इस मेले में एक स्टॉल खोली है जिसका नाम है अल्फाबेट से वस्तु की मेल मिलान मिलाना। इसके अंदर पढ़ाई के माध्यम से जो बच्चे नहीं सीख सकते हैं उन्हें हम गेम्स के माध्यम से सिखाते हैं, जैसे कि अधिक बहुत अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, किसी को इंग्लिश के लिए तो किसी को मैथ के लिए, एसएसटी, सभी सब्जेक्ट के कोई ना कोई तो गेम है यहाँ, और अन्य गतिविधियों के लिए भी गेम है। और मैंने ये स्टॉल खोला है सिमिलर वर्ड्स इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। इसके अंदर समान ढंग के शब्द रहते हैं लेकिन उनका अर्थ और उनकी स्पेलिंग्स चेंज रहती है।